लेट्स बिगिन वेव गाइड। वेव गाइड क्या है? वेव गाइड एक मेटालिक स्ट्रक्चर है, हॉलो मेटालिक स्ट्रक्चर है, जिसका फंक्शन क्या है? टू गाइड द एनर्जी अलॉन्ग इट्स लेंथ। तो इस फिगर पे देखते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। देखिए, अब जेड एक्सिस के अलॉन्ग इस वेव गाइड का लेंथ इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये बात पक्की है कि ये वेव गाइड एनर्जी को गाइड करेगी लेंथ के अलॉन्ग। इसीलिए मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। साथ साथ मैंने ये भी बोला इट्स अ मेटालिक स्ट्रक्चर, हॉलो मेटालिक स्ट्रक्चर। मतलब इसके चारों तरफ क्या है? मेटल है, बीच में क्या है? हॉलो है। तो यदि ये मेटल है तो मेटल इज़ कैरेक्टराइज बाई कंडक्टिविटी, और किसी भी आइडियल मेटल की कंडक्टिविटी, परफेक्ट मेटल की कंडक्टिविटी कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी। बीच में क्या है? हॉलो है। हॉलो है मतलब क्या हो सकता है उसमें? फ्री स्पेस हो सकता है या कि डाइलेक्ट्रिक हो सकता है। तो फ्री स्पेस की कंडक्टिविटी कितनी होती है? ज़ीरो होती है। डाइलेक्ट्रिक की भी कंडक्टिविटी ज़ीरो होती है, और फ्री स्पेस का म्यू, म्यू मीन्स परमिबिलिटी, और एप्सिलॉन मीन्स परमिटिविटी। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वैसे देखा जाए तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। तो आप देखिए कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज़ कैरेक्टराइज बाई एप्सिलॉन एंड म्यू। तो इसके बीच में क्या है? या कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो सकता है या कि फ्री स्पेस हो सकता है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली एनर्जी को गाइड कर रहा है अलॉन्ग इट्स लेंथ, सो आई कैन से इट्स अ गाइडिंग स्ट्रक्चर। दूसरी बात, ये जो स्ट्रक्चर है ये केवल एक ही कंडक्टर से बना है। देखिए, कंडक्टर यहाँ से चालू हुआ, यहाँ आया, यहाँ आया, नीचे से आया, यहाँ आया, बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल फॉर्म में है। तो इट्स अ सिंगल कंडक्टर सिस्टम। अच्छा, आपने कभी क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, डिवाइसेस भी दो तरीके की होती हैं, एक्टिव डिवाइस एंड पैसिव डिवाइस। एक्टिव डिवाइस गिव्स सम गेन, और आपने देखा होगा कि ट्रांजिस्टर पढ़ा होगा तो आप हमेशा ग्राफ जो प्लॉट करते हैं गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में प्लॉट करते हैं। लेकिन जो भी डिवाइसेस पैसिव होती हैं उनमें कैसा ग्राफ प्लॉट करते हैं? एटीन्यूएशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो वेव गाइड इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पैसिव डिवाइस। तो अच्छा, पैसिव डिवाइस है तो पक्की बात है कि ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट करना पड़ेगा? एटीन्यूएशन वर्सेस फ्रिक्वेंसी। तो व्हाट इज एटीन्यूएशन? एटीन्यूएशन क्या होता है? रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड। यदि एम्पलीट्यूड किसी वेव का प्रोपगेशन के साथ धीरे धीरे क्या होता जाए? छोटा होता जाए, तो सच फिनोमिना इज नोन एज एटीन्यूएशन। अच्छा, एक लाइन और भी कहते हैं वेव गाइड के बारे में कि वेव गाइड एक्ट्स एज अ हाई पास फिल्टर। तो चलिए फिल्टर का करेक्टरिस्टिक देखते हैं। आप यहाँ पे इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में एटीन्यूएशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ किया है। लोअर फ्रीक्वेंसीज पे एफ एल के पीछे की फ्रीक्वेंसी देखिए, एफ एल के पीछे की फ्रीक्वेंसीज पे एटीन्यूएशन क्या है? ज़्यादा है। मतलब कि ये वेव गाइड लोअर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल पे ज़्यादा एटीन्यूएशन एग्जिबिट करती है, यानी कि लोअर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ज़्यादा एटीन्यूएट करेगी। लेकिन एफ एल के बाद की फ्रीक्वेंसी देखिए, जहाँ पे एटीन्यूएशन की वैल्यू क्या है? कम है। मतलब कि हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ये आराम से पास कर देगा। तो वेव गाइड को बेसिकली मुझे क्या कहना चाहिए? हाई फ्रीक्वेंसी, हाई पास फिल्टर कहना चाहिए। तो व्हाट अबाउट वेव गाइड? एक सिंपल सी डेफिनेशन, वेव गाइड इज़ नथिंग बट इट्स अ मेटालिक, हॉलो मेटालिक स्ट्रक्चर विच इज़ पैसिव डिवाइस, गाइड्स द एनर्जी अलॉन्ग इट्स लेंथ इन द फॉर्म ऑफ ई एच वेव। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये जो वेव गाइड है एनर्जी को गाइड करती है किस फॉर्म में? ई एच वेव के फॉर्म में। ई एच मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। ये कैसा है? सिंगल कंडक्टर सिस्टम है, गाइडिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, और साथ साथ क्या बोलेंगे? पैसिव डिवाइस है। चलिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेव गाइड एंड ट्रांसमिशन लाइन?
कि व्हाई डू वी नॉट यूज ट्रांसमिशन लाइन एट हायर फ्रीक्वेंसी। लेट्स सी द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन कैसा कंडक्टर सिस्टम है? टू कंडक्टर सिस्टम है। वेवगाइड कैसा कंडक्टर सिस्टम था? सिंगल कंडक्टर सिस्टम था। अच्छा देखिए, ट्रांसमिशन लाइन का फंक्शन क्या है? गाइड्स द एनर्जी अलोंग इट्स लेंथ। वेवगाइड का भी यही फंक्शन था। इट वेवगाइड गाइड्स द एनर्जी अलोंग इट्स लेंथ। वेवगाइड एनर्जी गाइड करता था किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। लेकिन हम क्या कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन में जो गाइडेंस देखते हैं वो किसका देखते हैं? वोल्टेज और करंट का देखते हैं। अच्छा दूसरी बात क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन मल्टी कंडक्टर सिस्टम है, वेवगाइड सिंगल कंडक्टर सिस्टम है। चलो अपन क्या करते हैं, इस ट्रांसमिशन लाइन को एक्साइटेशन से कनेक्ट करते हैं। एक्साइटेशन कैसा है? साइनोसाइडल है। साइनोसाइडल है मतलब फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड है। और ये S क्या कहलाता है? S इज़ नथिंग बट सेपरेशन बिटवीन दीज टू कंडक्टर। ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ये कैसा है? गाइडिंग स्ट्रक्चर है। ट्रांसमिशन लाइन में गाइडेंस तभी हो सकता है जब ये कंडीशन स्पेशियल बैलेंस की कंडीशन क्या हो, सेटिस्फाई हो, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए एक काम करते हैं, इस सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं। यदि मैं फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करूँगा तो वेवलेंथ क्या होगी? रिड्यूस होगी। और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करूँगा, वेवलेंथ और रिड्यूस होगी। एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये जो वेवलेंथ क्या हो रही है, रिड्यूस होती जा रही है, तो वेवलेंथ कभी ना कभी एस के क्या हो जाएगी, कंपेरेबल हो जाएगी। जैसे ही ये कंडीशन मिलेगी तो ये स्ट्रक्चर क्या करने लगेगा, एनर्जी रेडिएट करने लगेगा। मतलब एनर्जी जब ये रेडिएट करने लगेगा तब मैं इस सिस्टम को गाइडिंग सिस्टम नहीं कहूँगा, गाइडिंग स्ट्रक्चर नहीं कहूँगा, ये तो रेडिएट करने लगा। क्या बात समझ में आई? हायर फ्रिक्वेंसीज पे वेवलेंथ क्या हुई, रिड्यूस हुई, ये स्ट्रक्चर रेडिएट करने लगा। मतलब कि हायर फ्रिक्वेंसी पे ट्रांसमिशन लाइन एनर्जी क्या करने लगती है, रेडिएट करने लगती है, और हायर फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन के लिए ट्रांसमिशन लाइन सुटेबल नहीं है। ट्रांसमिशन लाइन भी कैसा एग्जाम्पल होगा सोच के देखिए, पैसिव डिवाइस का ही होगा। अच्छा ट्रांसमिशन लाइन के बारे में एक खास बात बोलते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन एक्ट्स एज अ लो पास फिल्टर। चलिए देखते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक को, देखिए एटीन्यूएशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी। मतलब डिवाइस पक्की बात है कैसी है, पैसिव है। देखिए लोअर फ्रिक्वेंसी पर एटीन्यूएशन कम है लेकिन हायर फ्रिक्वेंसी पर एटीन्यूएशन क्या है, ज़्यादा है। मतलब लोअर फ्रिक्वेंसीज को ये क्या करेगा, पास करेगा, हायर फ्रिक्वेंसीज को ब्लॉक कर देगा। तो ये बात मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। सो लेट्स सी द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द वेवगाइड। चलिए देखते हैं, तो ये देखिए ये एक्स इजिकल टू ज़ीरो है। यदि मैं एक्स के अलॉन्ग डिस्टेंस चलूँगा तो यहाँ पे आऊँगा तो एक्स इजिकल टू ए मिलेगा। यहाँ पे वाई इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, यदि वाई एक्सिस के अलॉन्ग चलूँगा तो वाई इजिकल टू क्या मिलेगा, बी मिलेगा। रिमेंबर दैट जब कभी भी वेव गाइड की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि वेव गाइड का लेंथ कितना है, इनफाइनाइट है। मतलब जेड एक्सिस पे वेव गाइड क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। दूसरी चीज़ क्या एज्यूम करते हैं कि वेव गाइड को क्या बोला था कि इट्स अ मेटालिक स्ट्रक्चर, हॉलो मेटालिक स्ट्रक्चर। तो ये जो मेटालिक स्ट्रक्चर है ये कैसा मेटल है, परफेक्ट मेटल है, मतलब उसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है। यदि ये हॉलो मेटालिक स्ट्रक्चर है तो बीच में क्या होगा, या कि फ्री स्पेस होगा या कि कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक होगा। यदि फ्री स्पेस होगा तो उसका सिग्मा क्या होगा, ज़ीरो होगा। और फ्री स्पेस या डाइलेक्ट्रिक जो भी होगा उसका सिग्मा क्या होगा, ज़ीरो होगा। और डाइलेक्ट्रिक इज डिफाइंड बाई म्यू एंड एप्सिलॉन। अच्छा देखिए, ये हम बोलते हैं कि वेव गाइड गाइड्स द एनर्जी अलॉन्ग इट्स लेंथ। अच्छा इस जेड एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, ये लेंथ, ये वेव गाइड की एक्सिस कहलाती है, जिस डायरेक्शन पे वेव का प्रोपोगेशन हो रहा हो। वेव का प्रोपोगेशन किस फॉर्म में होता है, ई एंड एच वेव के फॉर्म में होता है। अच्छा देखिए आप, ये जो जेड एक्सिस है, क्या मैं इस प्लेन के ये जो ये एक्स और ये वाई, ये इस प्लेन के क्या जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है? आप देखिए ये जो ये प्लेन है, इस प्लेन के
परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये देखिए, ऐसा प्लेन जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर हो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक ऐसा प्लेन जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, दैट प्लेन इज़ नोन एज ट्रांसवर्स प्लेन। अच्छा ये बताइए, ये एक्स वाई प्लेन है जो, क्या एक्स वाई प्लेन जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है। जेड एक्सिस क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। एक्स वाई प्लेन क्या उसके परपेंडिकुलर है? हाँ है। तो एक्स वाई प्लेन क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स प्लेन कहलाएगा। अच्छा, ये जो प्लेन है, ये आपने बना लिया, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें वेरी कर सकती है? एक तो जेड वेरी कर सकता है और वाई वेरी कर सकता है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। तो इसको क्या बोलूँगा, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो प्लेन। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, ए डिस्टेंस पे, इस प्लेन पे देखिए, इस प्लेन पे क्या वेरी कर सकता है, इस डायरेक्शन में भागूंगा तो जेड वेरी कर सकता है, इस डायरेक्शन में चलूंगा तो वाई वेरी कर सकता है, ऊपर चलूंगा तो ये देखिए ऊपर चलूंगा तो वाई वेरी कर सकता है, लेकिन एक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए प्लेन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस एक्सिस को लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी बोलते हैं, मतलब जिस वेवगाइड के एक्सिस को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी बोलते हैं। तो आप सोच के देखिए, इस प्लेन का नाम क्या होगा, ये जहाँ पे मेरी पेन चल रही है, ये देखिए, ये क्या वाई इक्व टू जीरो प्लेन है? बिल्कुल है। देखिए अब कहाँ मेरा पेन चल रहा है, ये देखिए, ये कौन सा प्लेन होगा, ऊपर देखिए, ये वाई इज इक्वल टू क्या होगा, बी प्लेन होगा। तो इस तरीके से ये वेवगाइड का फिजिकल स्ट्रक्चर है। ये जो मैंने अलग से सेक्शन बना के रखा है, दैट इज़ नथिंग बट हम वेवगाइड को कहाँ से फीड कर रहे हैं, वाई इज इक्वल टू जीरो प्लेन से। तो ये फीडिंग स्ट्रक्चर है, ये आगे चल के और भी देखेंगे। चलिए देखिए, जेड एक्सिस कौन सी एक्सिस होगी, वेव गाइड एक्सिस होगी, इसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी बोलते हैं। एक्स वाई प्लेन कौन सा प्लेन कहलाएगा, ट्रांसवर्स प्लेन। कैसे बोले, ऐसा प्लेन जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, दैट प्लेन इज नोन एज ट्रांसवर्स प्लेन। चलिए देखिए, ये इसका फ्रंट व्यू है। तो आप देखिए, मैं ऐसे एक जनरल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें इस प्लेन पे फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कौन से प्लेन पे है, एक्स वाई प्लेन पे। अभी सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बस आपको ये देखना बस है। तो ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किस प्लेन पे एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स वाई प्लेन पे, और एक्स वाई प्लेन का नाम क्या था, ट्रांसवर्स प्लेन। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा, ट्रांसवर्स होगा। बाकी आगे चल के मैं और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, होपफुली वेवगाइड का फिजिकल स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या कहलाती है, वेवगाइड एक्सिस क्या कहलाती है, ट्रांसवर्स प्लेन क्या कहलाता है, वेवगाइड का जो आउटर कंडक्टर होगा उसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी, साथ साथ जो वेवगाइड है उसका लेंथ कितना एज्यूम करते हैं, आइडियली वो कितना होता है, ये भी मैंने आपको बताया। और ये आपको एक जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दिया, आगे चल के फिर से बताऊंगा ये सब चीज़ें। तो मेरे ख्याल से एक जो ज्योमेट्री है वेव गाइड की वो समझ में आई होगी, एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिशन लाइन एंड वेव गाइड, ये भी आपको समझ में आया होगा कि व्हाई डू वी नॉट यूज़ ट्रांसमिशन लाइन एट हायर फ्रिक्वेंसीज, क्योंकि स्पेशल बैलेंस की कंडीशन ब्रेक हो जाती है और स्ट्रक्चर बिकम्स रेडिएटिंग स्ट्रक्चर। तो यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।